बूथ पर फिर से मतदान कराया है, यानी कि रिपोलिंग आज हो रही है और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है। और अब तक अगर बात करें तो 25% मतदान की खबर सामने आ रही है। किशुपुरा मतदान केंद्र पर फिर से वोट डाले जा रहे हैं और शाम 6 बजे तक ये वोट डलेंगे। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम सख्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था रखी गई है। तो किशुपुरा बूथ पर फर्जी मतदान की शिकायत मिली थी और इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस बूथ पर एक बार फिर से वोटिंग कराई जाएगी। तो आज भिंड की अटेर विधानसभा के एक बूथ जहां किशुपुरा ये मतदान केंद्र है, जहां पर एक बार फिर से वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भिंड से सौरभ शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, किशुपुरा मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा है, क्या कुछ वहां से अपडेट मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि 25% से अधिक मतदान यहाँ हो गया और अभी भी हमने सहयोगी से कहेंगे, हम बताएंगे कि अभी भी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है, काफी उत्साह देखा जा रहा है। पुरुषों में भी देखना चाहूंगा कि पुरुषों में भी उत्साह देखा जा रहा है। भीड़ बराबर से लगी हुई है, दोनों तरफ भीड़ लगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाओं की भीड़ लगी है, पुरुषों की भीड़ लगी है, बराबर से यहाँ लोग वोट डालने आएंगे। 17 तारीख को रिपोल की होने की वजह से यहाँ आज यहाँ रिपोल हो रहा है। 17 तारीख को गड़बड़ी की वजह से यहाँ गड़बड़ बताई गई थी और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने इसकी शिकायत की थी चुनाव आयोग को। उसके बाद से यहाँ रिपोल हुआ। रिपोल में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। 25% से अधिक जवान यहाँ लगे हुए हैं। पूरी चप्पे चप्पे पर मैं आपको अपने सहयोगी से कहेंगे, देखिए यहाँ पे भी पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बाकायदा सुरक्षा कर्मी यहाँ लगा हुआ है। बाकायदा हमारे साथ आरओ भी है, रिटर्निंग अधिकारी यहाँ जो है पराग जैन जी हैं। इनसे मैं बात करूंगा, इनसे पूछूंगा कि अभी तक की स्थिति क्या है और क्या व्यवस्था यहाँ की गई है। पराग जैन साहब, किस तरीके की यहाँ व्यवस्था की है? अभी आप क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर है यहाँ के, तो क्या है यहाँ? अभी तक यहाँ पर 30% के लगभग मतदान हो चुका है। मतदान आप देख सकते हैं पूरी शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और साथ में महिलाओं एवं पुरुष का भी मतलब बराबरी की ही भागीदारी है इसमें। अभी भी लग रहा है हम लोगों को कि शाम तक मतदान चलते हुए काफी अच्छी मतदान प्रतिशत हम पा सकते हैं। ये थे हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी सौरभ। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच